मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ? वो कोई फौज वाला कोई वाकया हुआ था, आई थिंक शादी हुई होगी किसी की। कल एक प्रोटेस्ट है वो लल्लाबट्टी में होने लगा, हमें ये पता है बस। बहुत से लोगों की शादियां हुई थी, किसी के दिल टूटे थे और किसी के दिल जुड़े थे। कल 16 दिसंबर में जो होगा फिर पता लग जाएगा आपको। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर ही थी एपीएस का वाकया हुआ था। बहुत सारे मासूम बच्चे शहीद हुए थे और ये दिन यकीनन नहीं भुला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट सुमन व नाज़रीन। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान दहलत तो हुआ, दो टुकड़े हुए, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान जो हुआ करता था, फिर जो मशरकी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। तो आइए इस बारे में जानते हैं, इस जो पाकिस्तान का जो एक नया उससे मुल्क बना, इसके हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से ये वाक़या कैसे पेश आया। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसके बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है। तो आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों के साथ करूँगा। उनसे सवाल पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय रखते हैं, उनको इस बारे में कितना आइडिया है, 16 दिसंबर की क्या अहमियत है हमारे तारीख़ में, हमारे यहाँ उसकी क्या अहमियत है। तो आज हम ख़ास तौर पे आम पब्लिक से नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करेंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से पूछेंगे, व्लॉगर से पूछेंगे, यूट्यूबर से पूछेंगे। और आप इस वक्त मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ये यूट्यूबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के लिबर्टी के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। ये लिबर्टी मार्केट है और हमेशा जहाँ कहा जाता है कि ये व्लॉगर और यूट्यूबर्स का हब है, आपको यहाँ पे हर टाइम व्लॉगर और यूट्यूबर्स मिलेंगे और कसीर तादाद में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, इस हवाले से जानते हैं कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था, किन लोगों को कितना इस बारे में आइडिया है। आइए चलते हैं। मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को वो कोई फौज वाला कोई वाकया हुआ था, आई थिंक फौज का वाकया हुआ था। हाँ कुछ शोर है यहाँ पे, पता नहीं कुछ। 16 दिसंबर को शादी हुई होगी किसी की। आपकी तो नहीं हुई? नहीं मेरी तो नहीं, मैं सिंगल हूँ। बस इसी वजह से शादी सवार है। शादी करनी चाहिए, अच्छी बात है। शादी हुई तो आप हुए ना, शादी ना होती तो आप ना होते, यही बात। आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्या करते हैं? मैं यार पढ़ाई करता हूँ। एग्रीमेंट तो आपके पास है, मैं ये देख रहा हूँ। व्लॉगर हैं? नहीं, यूट्यूबर है। हाँ। 16 दिसंबर को क्या हुआ था? हाँ जी, आर्मी पब्लिक स्कूल था जो हमारा इधर है, उधर हमला हुआ था और काफ़ी मासूम फरिश्ते जैसे बच्चों की जाने गई थी और ये बड़ा अफसोसनाक हादसा था और एक सानिया था पूरे मुल्क के लिए। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं हम। यूट्यूबर भी हैं? यूट्यूबर आप ये समझ लें, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं अपने लिए बस। अच्छा, आपको ये सिर्फ ये पता है कि 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था पाकिस्तान। इसके अलावा कल एक प्रोटेस्ट है वो लल्लाबट्टी में होने लगा, हमें ये पता है बस। कौन कर रहा है? ये इमरान खान पीटीआई साहब, पीटीआई का ये इलेक्शन कराओ मुहिम जो है वो चलने और ये कल इसका लल्लाबट्टी में प्रोटेस्ट होना है, ये पता है कल जो होने वाला है वो भी 16 दिसंबर। वो लेकिन 17 दिसंबर को कर रहे हैं, वो 16 दिसंबर को भी रोज़ हफ्ता है लेकिन 16 को भी होना है। अभी हर रोज़ निकल रहे हैं, आज भी निकला हुआ है, आज उधर MN16 आइडिया हल्का हर कोई निकाल रहा है, तो कल भी निकल रहा है। इसके अलावा आपको कोई मालूम नहीं कि 16 दिसंबर को? कोई आइडिया नहीं, आप बता दें। अगर आप कुछ बता सकें हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, हमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा और नया कुछ चीज़ पता चलेगी कि इसके अलावा और भी कुछ होता है 16 दिसंबर को। क्या करते हैं? यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं? अच्छा, मुझे एक सवाल है उसका मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए थी। 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को सानिया हुआ था एपीएस स्कूल में, वो जो पेशावर में। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा बहुत से लोगों की शादियां हुई थी, बहुत से लोगों की शादियां हुई थी और कुछ कुंवारे रह गए। कुछ कुंवारे रह गए, कुछ की शादियां हो गई। हाँ जी, और किसी के दिल टूटे थे और किसी के दिल जुड़े थे और किसी को माँ बाप मिले थे, किसी के बिछड़े थे। 16 दिसंबर को नहीं, ये तो आम दिनों में भी होता रहता है। अच्छा, आपकी शादी होगी? मेरी नहीं, अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई अभी? दिल की ख्वाहिश तो है शादी हो जाए? बिल्कुल है। सिंगल सिंगल फील करते हैं? नहीं नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मिंगल ही हूँ, लेकिन शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई, तो कब होगी? इंशाल्लाह 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 इसी साल में। इसी साल में? चंद दिन बाकी हैं। नहीं, 2023 में अभी तो ये खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन आपको शादी के बारे में मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम कि 16 दिसंबर को क्या हुआ? नहीं, ये नहीं मालूम जी। 16 दिसंबर को क्या हुआ था? एपीएस का वाकया हुआ था। इसके अलावा कुछ और? नहीं, बेसिकली तो यही है, 16 दिसंबर को ब्लैक डे मनाया जाता है बिकॉज आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर ये अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो उसकी वजह से 16 दिसंबर को एज अ ब्लैक डे कंसीडर किया जाता है। आई थिंक so. क्या करते हैं आप? नथिंग, स्टूडेंट हूँ। यूट्यूबर भी? नहीं। व्लॉगर हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट? नहीं, वो भी नहीं हुआ। लेकिन हम तो देखते हैं यहाँ पे आप ये माइक वगैरह पकड़ा होता है, कैमरे के सामने लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं गुफ्तगू करने की, कोई करता नहीं है। कोशिश करते हैं? यस, कोशिश करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। अच्छा, हैं बेसिकली यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्या है? यूट्यूबर क्या है, बस यूट्यूबर हैं। यस। आप यूट्यूबर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को क्या हुआ था मुझे तो खुद नहीं पता, मैं इसी वजह से तो आपसे पूछ रहा हूँ। कल 16 दिसंबर में जो होएगा फिर पता लग जाएगा आपको। अगर इसकी माजी में हम तारीख देखें पाकिस्तान की, तो कुछ कोई आपको याद हो, कुछ हुआ हो, कोई वाकया, कुछ सानिया, कुछ चीज़, कोई इवेंट्स? 16 दिसंबर नहीं, 25 दिसंबर को तो आता है इवेंट। क्या 25 दिसंबर क्या आता है? कायदे आज़म डे आता है। आप यूट्यूबर्स हैं और आपको भी नहीं पता कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? नहीं, ये नहीं पता। क्या करते हैं? मैं यार पढ़ता हूँ। यूट्यूबर्स भी हैं? नहीं, यूट्यूबर। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट? ये यूट्यूबर हैं, मेरे दोस्त हैं। कोई व्लॉगर? व्लॉग वो क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता यार। ये क्या पूछ लिया आपने सवाल। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं अभी बीएस जर्नलिज्म कर रहा हूँ। बीएस जर्नलिज्म कर रहे हैं? कौन से कर रहे हैं? मैं ओपन से, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएस जर्नलिज्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को क्या हुआ था? बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ी मुश्किल आई थी इस दिन को, शायद बड़ी मुश्किल आई थी। क्या मुश्किल आई थी? आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे शहीद हुए थे और ये दिन यकीनन नहीं भुला जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ? इसके अलावा तो खैर नहीं पता मुझे। इसके अलावा कोई आइडिया नहीं? नहीं, आइडिया नहीं है। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं? जी सर। और आपको ये नहीं पता कि 16 दिसंबर को क्या आर्मी पब्लिक स्कूल के अलावा क्या हुआ था? इसके अलावा यार माइंड से उतर गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को 16 दिसंबर ही थी। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर ही थी। हाँ। पाकिस्तान की तारीख में इस दिन की कोई अहमियत, कोई इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा कुछ। क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन पाकिस्तानी हो आप और आपको ये मालूम नहीं कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि एपीएस का शायद वाकया हुआ है। इसके अलावा कोई और गुदेन में कुछ नहीं आता? नहीं, यही है, एपीएस दिसंबर में ये हुआ था, एपीएस 2016 आई थिंक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को एपीएस स्कूल में जो हमला हुआ था। और इसके अलावा? इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था? नहीं, कोई हमला था जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोस की बात थी। बच्चे स्कूल गया, स्कूल से सीधा जन्नत में चले गए, माएँ राह देखती रहीं। आप यूट्यूबर हैं? नहीं। व्लॉगर हैं? स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं? नथिंग, ओनली स्टूडेंट। ये तो बस 10 दोस्त के। स्टूडेंट कौन सी क्लास? मैं अभी मैट्रिक की है। मैट्रिक की, और आपको ये मालूम नहीं कि 16 दिसंबर को यही वाकया था और तो कुछ नहीं हुआ था? स्टडी करते हैं? हाँ, स्टडी। हाँ, पढ़ी है तकरीबन, इतने अब लायक भी नहीं है। आपने मैट्रिक कर लिया और लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि 16 दिसंबर को क्या हुआ? 16 दिसंबर को यही वाकया हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं? तीनों। तीनों ही हैं? तीनों काम कर लेते हैं? तीनों काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, कितनी देर होगी ये काम करते? कितनी देर होगी है, 3rd ईयर स्टार्ट हो गया हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था? पाकिस्तान की तारीख में ये दिन की क्या अहमियत है? 16 दिसंबर को आपको पता है कि साने पेशावर हुआ था और इस दिन की कोई अहमियत नहीं है। इस दिन का सोग ही है जो हम लोग मना सकते हैं और हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि हमने अपने ज़िंदगी के अंदर किन लोगों को खोया है, अपने किन शाहीनों को खोया है और कैसे हीरो को खोया है, और उन माओं को जिन, मैं कहती हूँ कि उन माओं को तो आज तक सब्र नहीं आया होगा जिनके बच्चे जो है शहीद हो चुके हैं लेकिन शहादत की मौत में मरे हैं। तो यही कह सकती हूँ कि उनके लिए नसीब वाली मौत है कि शहादत की मौत मरे हैं। और ये दिन ऐसे ही है कि स्याह दिन भी नहीं कह सकते इसको, ये भी नहीं कह सकते कि गम नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि शहादत की वो मौत मरे हैं। तो गम करना नहीं चाहिए लेकिन खुशी भी नहीं कर सकते, लेकिन गम भी नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत ऑलरेडी हो चुकी होगी, लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात उनके बुलंद हो और हमारी तारीख में कभी दोबारा ऐसा दिन ना आए जो हमारे लिए स्याह बने और हमें वो दिन जो है वो तारीख़ के तौर पर याद करना पड़े। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा कोई और कोई तारीख़ में इस दिन का कोई हवाला, कोई जिक्र तारीख़ को, थोड़ा सा तारीख़ के राह को गुंगाले तो कुछ मिलता है? मतलब तारीख़ के हवाले से इस दिन की कोई और बात, कोई और आई डोंट नो, इसके अलावा आपको नहीं पता? सिर्फ आपको इतना मालूम है कि साने APS हुआ था 16 दिसंबर को, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था? आई डोंट थिंक सो एनीथिंग। जी नाज़रीन, आपने इन यूट्यूबर्स, व्लॉग और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गुफ्तगू सुनी। कोई एक सिंगल भी हमें ये नहीं बता सका और कोई एक सिंगल किसी को ये मालूम नहीं कि 1971 को क्या हुआ था, 16 दिसंबर को क्या हुआ था। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे और इनको आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो ये बड़े बड़े जर्नलिस्टों की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं, ये अदीब, साजा, पढ़े लिखे लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं बैठ के, ख़ास तौर पे ये सहाफ़ियों को लफाफा कह रहे होते हैं। तो आपने आज इनकी ये हालत देख ली कि किसी एक सिंगल को नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये सानिया था 1971, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। लेकिन कोई एक सिंगल भी आपको, आपने खुद सुना, आपने देखा, कोई एक सिंगल बंदा भी ये नहीं बता सका कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।